नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मीनू के छत पर, जहाँ की ढेर सारी बेल वर्गी सब्जियाँ लगी हुई हैं बरसात के मौसम में। तो देखिए, हमारे यहाँ 15-20 दिन हो गया बारिश ही नहीं हुई। तो बारिश नहीं होती है तो डेली पानी देना पड़ता है। तो मैं कैसे देती हूँ अपने पौधों को पानी, जो कि छत पर लगाई हूँ। तो मेरे छत पर पानी की व्यवस्था नहीं है दोस्तों। मैं बाल्टी भर के नीचे से पानी ले जाती हूँ अपने छत पर। और देखिए, पौधों में पहले तो पाट की मिट्टी में डालती हूँ, इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी हाथ से ही उसके ऊपर छिड़कती हूँ। जैसा बारिश में होता है, ऊपर से पानी गिरता है पौधों पर, तो पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। क्योंकि यदि आप पाट में पानी दे रहे हैं नीचे, लेकिन उसके साथ आप यदि पौधों के ऊपर छिड़क करके पानी देंगे, सावर करेंगे पौधों के ऊपर, तो पौधों की पत्तियां जो हैं कि एकदम ग्रीन होंगी और ग्रोथ दुगना हो जाएगा और कोई भी बीमारी नहीं लगेगी पौधों पर। क्योंकि जितने भी कीट यदि पौधों पर आकर के बैठते हैं तो हमारे पौधे को ख़राब करते हैं। तो पानी जो हम स्प्रे करते हैं, सावर करते हैं, तो उससे वो कीट जो होते हैं धुल करके हट जाते हैं। इसलिए आप जब भी अपने पौधों में पानी दें, किसी भी तरह का पौधा हो, विशेष तौर से गर्मी और बरसात के समय सावर ज़रूर करें, पौधों को नहलाएं अच्छी तरह से ऊपर से, और पाट की मिट्टी में भी पानी दें। और तेज़ गर्मी में इतना पानी दें कि ड्रेनेज होल से बाहर हो जाए। और पौधा छोटा है तो उसे कम पानी दें, लेकिन पौधा यदि बड़ा हो गया है तो उसे भरपूर पानी दीजिए। इस तरह से देखिए, मैं अपने छत के सारे पौधों को पानी दे रही हूँ और साथ में इनको एक एक पौधों को देखती भी जाती हूँ कि किसी पौधे पर को किसी भी तरह का कीट वगैरह तो नहीं लगा है। निरीक्षण करती रहती हूँ ताकि जो भी कीट लगे या कोई भी फंगस लगा हो पौधों में, तो साथ साथ मुझे पता चलता रहे कि मेरे पौधे कैसे हैं। तो इस तरह से दे रही हूँ पानी दोस्तों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन। और कोई भी गार्डनिंग संबंधित आपको जानकारी चाहिए या कोई डाउट हो तो आप कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब या तो मैं वीडियो के माध्यम से दूं या रिप्लाई द्वारा ज़रूर से दूंगी। धन्यवाद।